आज महोदया अतिथिगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, इस महान राष्ट्र अवसर को मनाने के लिए आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं आप सभी को 73वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। 15 अगस्त 1947 को ही हमारा देश आजाद हुआ था। स्वतंत्रता दिवस हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि यह दिन हमें मौका देता है उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का। यह दिन हमें मौका देता है जिन्होंने शांतिपूर्ण और खूबसूरत जीवन देने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। वे सच्चे देशभक्त साबित हुए। मित्र, जब गरीबों को दान नहीं काम मिलेगा, जब महिलाओं की इज्जत की जाएगी, सभी के समक्ष रखना चाहूंगी, जब एक नौजवान देश की सेवा के लिए सीमा पर जाता है तो केवल एक परिवार ही तैयार नहीं होता, तैयार होते बूढ़े माँ बाप की कई सपने, बहन की राखी, उनके बच्चों की उम्मीदें, उनके परिवार के अरमान और हसरतें। और जब कभी उनका बेटा उस आतंकी हमले में शहीद होता है तो पता है क्या होता है? इस धरती में खून की नदियां बहती हैं, रूह कांप जाती उनके बूढ़े माँ बाप की, चकनाचूर हो जाते उनके सपने, उनके अरमान, उनकी मुस्कान ना जाने कहां खो जाती है। जब एक जवान शहीद होता है ना, तो केवल एक परिवार ही नहीं रोता, पूरा देश रोता है। वो इंसान रोता है जो देश के मायनों को समझता है, वो हर नागरिक रोता है जो देश के प्रति प्रेम रखता है। तिरंगे से लिपटे उस जवान को जब एक माँ आखिरी बार अपने सीने से लगाती है, तो देश के 132 करोड़ लोगों पे 132 करोड़ आंखों में केवल एक ही बात होती है, मेरी ख्वाहिश है कि फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस कदर लिपटूं कि एक बच्चा हो जाऊं, माँ से इस कदर लिपटूं कि एक बच्चा हो जाऊं। ऐसे ही ना जाने कितने क्रांतिकारी वीरों ने अपने जाने से पहले अपनी माँ से वचन लिया। उनमें से ये एक वीर थे, वीर भगत सिंह, जिन्होंने अपने जाने से पहले अपनी माँ से वचन लिया कि माँ, जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो रोना मत, माँ जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो रोना मत, नहीं तो ये दुनिया वाले सुनेंगे, देखो वीर भगत सिंह की माँ रो रही है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा माँ, बस तू रोना मत। मैं सलाम करती उस देश के हर उस जवान को, इस देश के सिपाही को और किसानों को, और हर उस व्यक्ति को जो अपना फर्ज पूरी लगन पूरी ईमानदारी के साथ करता है, जिसके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना ही अधूरी है। कुछ नशा है तिरंगे की आन का, कुछ नशा है मात्र भूमि की मान का, हम लहराएंगे इस तिरंगे को हर जगह, हम लहराएंगे इस तिरंगे को हर जगह, क्योंकि ऐसा ही नशा है खुद हिंदुस्तान की शान का, हिंदुस्तान की शान का। इसी भाव के साथ आप सभी में